बहुत बड़ा अनर्थ किया। की अनर्थ? की अनर्थ होले बाबा? अनर्थ हो गए पानी के शुल्क 480 रुपया बढ़ा दिल गए। बेशर्म सभापति जब चुनाव सर पर था तो जनता देव तुल्य थी, पिता तुल्य थी। आज जब सभापति निर्वाचित हो गए तो उनका असली रूप रंग दिखने लगा है। जनता कीड़े मकोड़े के समान हो गई है। उनके दुख दर्द को कम करने की बजाय, उनके जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय, उनके जख्मों को कुरेदने, रुलाने, तरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे सभापति के नगर कर्मी। आज देवतुल्य जनता से वाटर टैक्स के नाम पर जबरदस्ती 480 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक की वसूली की जा रही है। बिना 480 रुपए के राजस्व रसीद नहीं काटा जा रहा है मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में। पानी गिर पैसा लग रहा 480 रुपया का साला। पैसा अभी पानियों ने है, अब पैसा लग रहा है सरकार। इतना सरकार पूर्वक बनाता है पब्लिक को, पानी नहीं आ रहा। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। न नल न जल परंतु टैक्स में अव्वल, यह नया नारा है मोकामा के सभापति महोदय का, जो कहते थे कि नगर परिषद अब आपके द्वार, जनता की हर समस्या का समाधान उनके घर पर ही करने का वादा करने वाले सभापति का यह वादा भी चुनावी प्रतीत हो रहा है। मोकामा नगर परिषद की जनता इन दिनों बिना नल जल कनेक्शन के बड़ी रकम वाटर टैक्स के रूप में देने को मजबूर है। बिहार सरकार के आदेश को मूल मानकर हर घर से सभी करदाताओं से वाटर टैक्स के नाम पर कम से कम 480 रुपए का अतिरिक्त टैक्स वसूला जाए। नगर परिषद क्षेत्र के जिन घरों में नल जल का कनेक्शन तक नहीं है उनसे भी 480 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है नगर कर्मी द्वारा। अगर कोई टैक्स देने में असक्षम है तो उनसे भी जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। कोई पढ़े लिखे सज्जन अगर वाटर टैक्स को विस्तार से बताने की मांग करते हैं तो उन्हें सीधे मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि 480 रुपए तो लगेगा ही, आप जल नल योजना के लाभुक हो या नहीं हो, विशेष के लिए आप नगर परिषद पहुंचे सभापति महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी से अपनी बात रखें। 480 रुपया ले रहे नगर पालिका, अब जनता करे तो क्या करे। जिसने एक हमदर्द को जिताकर भेजा था नगर परिषद, वही हमदर्द अगर बेदर्द निकल जाए तो जनता के पास खून के घूंट पीने के सिवा क्या चारा बचा है। वस्तु स्थिति से सभी वाकिफ हैं। होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों से नगर प्रशासन 480 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक जल कर के रूप में वसूल कर रहा है, जबकि नगर पालिका क्षेत्र में कई वार्डों में पानी की सप्लाई तक नहीं है। अधिकांश घरों में पानी का कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। जहां कनेक्शन दिया भी गया है वहां पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बावजूद होल्डिंग टैक्स के नाम पर नगर परिषद के कर्मी एक बड़ा जल कर वसूल कर रहे हैं। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की पेयजल उपयोग नीति 2021 के नियमों का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार के प्रेषित पत्र में यह साफ निर्देशित है कि यह जल कर सिर्फ उन परिवारों से लिया जाए जो नल जल योजना के लाभुक हैं। सरकार ले है चूस के खरियागानी बांध बांध दल के है और 400 रुपया लेते टैक्स सावन टैक्स का के। जनता करे तो क्या करे। जिनको जिताकर भेजा नगर परिषद वह सभापति और उपसभापति कुछ करना नहीं चाहते या कुछ कर नहीं पा रहे। जो वार्ड पार्षद जीत कर गए वह अली बाबा 40 चोर जैसी फिल्म देखने में व्यस्त हैं। मोकामा नगर परिषद की इस बड़ी समस्या पर दैनिक जागरण में एक खबर भी छपी थी जिसमें स्पष्ट छपा था कि जिनके घर में
नल जल का कनेक्शन नहीं होगा उनसे वाटर टैक्स के रूप में कोई अतिरिक्त कर नहीं लिया जाएगा। परंतु नगर कर्मियों ने खबर के विपरीत वाटर टैक्स उन परिवारों से वसूलना जारी रखा जिनके पास नल जल योजना का कनेक्शन नहीं है। अब जनता जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, उनके पास सिवाय जलकर की एक बड़ी रकम भरने के सिवा चारा क्या है। नल जल से पानी तो नहीं आता परंतु जनता की आंखों से जलधारा अनवरत बह रही है। इलेक्शन से पहले आ गया हमारे जीवन प्रकाश जी को ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे वार्ड 26 के कमिश्नर साहब हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बोरिंग हो गया भैया, आठ नौ महीना हो गया। स्टार्टरों चोरी हो गया, चोरी कर दिया। देखा भैया तो लास्ट में टंकी इसमें कभी नहीं लगा, टंकी का लग में एंगल ठीक खड़ा हो गया, पानी वैसे ही नाली पर बैठ के सब भरता, बस पाइप लगा के भरता है, पाइप लगा के पाइप लगा के अपन भरते हैं जिसको सुविधा न लगा के पाइप भैया 1,000-1,500 पाइप खरीद के अपना सब यूज कर रहे हैं। की दिक्कत हो रहा है? पानी की दिक्कत यार, खिलाड़ी की दिक्कत है। को नंबर वार्ड है ये? 26 वार्ड है। नया वो पानी होने आज आके 6 महीना कर ले, नहीं आ रहे तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। खाना फूल के पानिया कामा जनिया कर के मर्दन मन कर रहा है, बाल्टी बाजार खादे। अब 6 महीना ले लिया।